हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रैब टू फैब। तो आज मैं ये गेंदा फूल लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ जो जैकलिन फर्नांडिस ने किया था, और ये बहुत ही इजी लुक है, फेस्टिव लुक है और टिपिकल बंगाली लुक भी है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र, और ये स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये स्टेप कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी प्राइमर, जो कि नायका का प्रेफमिया प्राइमर है, जो आपको एक स्मूथ ब्लर फिनिश देगा और आपके मेकअप को ज़्यादा देरी रहने के लिए भी अच्छा है। अब उसके बाद फेस मेकअप के लिए मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, ये मेबलिन फिटमे का फाउंडेशन है इन द शेड नेचुरल बफ, और इसे मैं एक डैम ब्यूटी स्पंज की हेल्प से पूरे फेस पे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। ये कंसीलर है एलिगल प्रो कंसील का इन द शेड प्योर बेज, और इससे मैं अपने डार्क स्पॉट्स को हाइड करूँगी, कंसील करूँगी। और फिर सेम डैम ब्यूटी स्पॉन्ज से मैं इसे भी ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। मैं मेबलिन फिट में कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड सैंड सेवर, और ये मेरा सेकेंड लेयर ऑफ कंसीलर है, आप एक लेयर में भी रह सकते हो। इससे मैं थोड़ा और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए यूज़ करती हूँ, और फिर मैं इसे सेम स्पॉन्ज से फिर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब फाउंडेशन, कंसीलर, ये सारी चीज़ों को सेट करने के लिए मैं एक लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये मेबलिन फिटमे का लूज़ पाउडर है इन द शेड लाइट 15, और इसे मैं 2 मिनट रखूँगी बेक होने के लिए, उसके बाद डस्ट ऑफ कर दूँगी। और अब ये है नेक्स्ट सेटिंग स्प्रे, अपने जिससे मैं अपने बेस मेकअप को सेट कर लूँ, जिससे वो ज़्यादा देर टिके। और अब फेस को थोड़ा स्ट्रक्चर देने के लिए, ब्रॉन्ज करने के लिए मैं मेबलिन मास्टर कॉन्टोर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और मैं बहुत ही लाइट ब्रॉन्जिंग करने वाली हूँ, क्योंकि जैकलिन के पिक में भी आप देख सकते हैं उसने बहुत ही लाइट ब्रॉन्जिंग किया है। और मैं नोज़ कॉन्टोर भी सेम पैलेट से ही कर रही हूँ। नाउ यू कैन सी जैकलिन ने बहुत ही नेचुरल सटल मेकअप किया है, और आईज़ पे भी बहुत ही नेचुरल आइवरी और एक मोवी शेड दिया है, सो मैं भी सेम करने वाली हूँ। ये वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट है इन द शेड रोज इन दी एयर, और मैं वो ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ, और मैं अपने ट्रांजिशन में उसे लगाऊँगी, और मैं आपको जूम करने वाली हूँ सो दैट आपको ज़्यादा क्लियर सब कुछ विजिबल हो। अब आपको ब्रश को ऐसे ऊपर से नहीं नीचे से होल्ड करना है सो दैट एक डेप्थ क्रिएट हो, और बहुत ही ईजिली आपके ट्रांजिशन में ही ये शेड अप्लाई हो, और फिर अच्छे से ब्लेंड करना है। और मैं तब तक लेते जाऊंगी ये सेम कलर को जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊँ इसके पिगमेंटेशन से। और अब मैं ये दूसरा आई शेडो पैलेट ले रही हूँ फ्रॉम एले गर्ल, और ये मूवी शेड मैं ले रही हूँ। अब मैं इसे अप्लाई करूंगी विद द सेम ब्लेंडिंग ब्रश, और वही ट्रांजिशन पे अप्लाई करूंगी, एंड अगेन मैं वो शेड बार बार लेती रहूंगी जब तक कि पिगमेंटेशन बेस्ट पे ना आ जाए। एंड
एंड नाउ मैं फिर से वो वेट एंड वाइल्ड का पैलेट ले रही हूँ और वो वाइट शेड वहाँ से ले रही हूँ एंड एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं उसे अपने सेंटर पे अप्लाई करूँगी अच्छे से और फिर विद द सेम ब्लेंडिंग ब्रश जो मैंने पहले यूज़ किया था एक बार सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अब वो डार्क ब्राउन शेड मैं अपने लोअर लैश लाइन में लगाने वाली हूँ और इसके बाद मैंने एक पतला सा आईलाइनर भी ड्रॉ किया था जो कि फ्रॉम लैक्मे था एंड आई एम सॉरी वो क्लिप पॉज हो गया तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। एंड नाउ आई एम टेकिंग द जैकलिन इन स्मॉर्फिन पैलेट और इससे मैं ये न्यूट शेड ले रही हूँ क्योंकि जैकलिन ने एक न्यूट फूल अपने वाटर लाइन पर लगाया है और वो मेरे पास नहीं है तो मैं ये शेड ले रही हूँ और ब्रश का जो ऑपोजिट पार्ट होता है जो हार्ड पॉइंट होता है उसके हेल्प से मैं अपने वाटर लाइन में लगाऊंगी क्योंकि इससे ये बहुत इजीली लग जाता है। और अब मैं सेम पैलेट से वो ब्लैक शेड ले रही हूँ और अपने आईलाइनर को थोड़ा सा स्मच कर लूँगी। और अब बस मैं अपने आईलैश को कर्ल कर रही हूँ और ये वेगा का कर्लर है। इसके बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई गुड कोट्स ऑफ मस्कारा क्योंकि मैं फॉल्सीज अप्लाई नहीं करूँगी और ये मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा है एंड इसी के साथ हमारा आई लुक कंप्लीट होता है। ये ब्लश बायोटिक का है इन द शेड कोरल और ये बहुत ही नेचुरल सर्कल मैट ब्लश है और अब मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। और अब एक बार फिर से मैं वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ और वो टिंटेड जो शेड आप देख रहे हैं वो मैं अपने फिंगर के हेल्प से ब्राउज के नीचे हाईलाइट कर रही हूँ और आई के इनर कॉर्नर्स में हाईलाइट करूँगी। ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर है इन द शेड प्रीशियस पेटल और मैं इससे अपने फेस के सारे हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी और बहुत ही नेचुरल सटल रखूँगी क्योंकि आप देख सकते हैं उसके लुक में बहुत ही लाइट उसने हाइलाइटर यूज़ किया है सो मैं भी बहुत ही हल्का इसे यूज़ करूँगी। अब फाइनली एंड लास्टली लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ और ये लैक्मे का 9 to 5 लिपस्टिक है इन द शेड रोज टच एंड ये एक मॉवी शेड है जो कि जैकलिन ने यूज़ किया था। सो ये लुक रिक्रिएट हो गया है एंड ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा और अभी दुर्गा पूजा भी आ रहा है, फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं तो ये लुक बहुत ही सही है और टिपिकल बंगाली लुक भी है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। और इसी के साथ मैं आपसे बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक टेक केयर, बाय बाय।